पाप क्षमा होने का सबूत। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो है मरकुस 2 से हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को चंगा किया। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लकवा होता क्या है। जो इंग्लिश में अगर हम उसको बोलते हैं पैरालाइज, हमारे जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, उसके दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट लोब राइट लोब उसको बोलते हैं। कभी कभी एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो हमारा दाहिना हाथ दाहिना पांव सब बंद हो जाता है, झूलने लग जाते हैं। वैसे कभी कभी दोनों हिस्से बंद हो जाते हैं तो हम पूरा ही हिल नहीं पाते हैं, बिस्तर में लेट जाते हैं। फिर हमारे को सिर्फ हम लोगों को देख सकते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। अलग अलग तरीके के लकवे होते हैं, उसको झोला भी बोलते हैं। तो उसके घर वाले बहुत तंग होते हैं फिर, क्योंकि उसको हर काम कराना है। रोज एक आदमी तो उसकी सेवा के लिए लगा रहना चाहिए। उसका जो जीवन है वो तो एक तरीके से देखा जाए तो किसी काम का नहीं रहता उसके बाद। तो ऐसे एक रोगी को यीशु चंगा करता है और किसी खास वजह से। तो काफी समय से उसको झोला था, लकवा था उसको। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर का हिस्सा ठीक है लेकिन नीचे का झोला मार गया। लेकिन इस दृष्टांत में उसको पूरा ही लकवा मारा होता है, पूरा ही पैरालाइज होता है वो, और वो हमेशा खाट पे लेटा रहता था। तो क्या हुआ, यीशु की बातें सुन के लोग उसके पास आते थे, वो चमत्कार भी करता था, चंगाई भी देता था। तो बहुत से लोग तो उसके वचन को सच मान के उसके पास आते थे वचन सुनने के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे भी आते थे जो चंगाई के लिए आते थे सिर्फ। तो उनमें से बहुत से लोग विश्वास मसीहा के रूप में नहीं करते थे, लेकिन उनको ये पता था ये चंगाई करता है। तो यीशु लेकिन अपने उसके अंदर करुणा थी, वो सबको चंगा कर देता था। वो ये नहीं कहता था जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसी को चंगा करूंगा, लेकिन वो ये जरूर कहता था जो मुझ पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, वही स्वर्ग जाएगा। बाकी को चंगाई यहां मिल जाएगी शारीरिक रूप पे, लेकिन फिर से एक दिन वो मरने वाला ही है, फिर से बीमार पड़ने वाला ही है वो, क्योंकि हमारे अंदर आदम का पाप है जिसकी वजह से हमारे अंदर रोग आता है, बुढ़ापा आता है। तो एक दिन तो हम फिर से बीमार होंगे। फिर आपको यीशु चंगा कर सकता है, फिर आप फिर से बीमार होंगे, और एक दिन मरना भी है आपको। मृत्यु से तो बचेंगे नहीं आप, क्योंकि हमारे अंदर आदम का पाप है, पाप की वजह से मृत्यु आई थी, जैसे उत्पत्ति बताता है, उससे पहले पाप नहीं था। तो यीशु कहता है चंगाई के लिए तो मेरे पास आते हो तो अच्छी बात है, आ जाओ मैं चंगा कर दूंगा तुम्हें, लेकिन विश्वास तो करो कि मैं ही तुम्हारे पापों के लिए दंड भुगतूंगा, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं ही मसीहा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई नहीं है। क्यों तुम अंधविश्वासों में पड़े रहते हो, क्यों तुम मूर्ति पूजा के पीछे पड़े रहते हो, क्यों तुम इसको उसको किसी को भी, कभी सूर्य को, कभी चांद को, कभी आग को, कभी पानी को, कभी पहाड़ को अपना देवता बना लेते हो। वो सब तो निर्जीव वस्तु है, मैंने बनाई है, मैं जीता जागता परमेश्वर तुम्हारे सामने चंगाई कर रहा हूं। तो वो कहता था कि जब मैं ये चंगाई कर रहा हूं तो क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसी चंगाई सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। तो बहुत से लोग विश्वास कर लेते थे और बहुत से लोग फिर भी नहीं करते थे, क्योंकि वो स्वार्थी होते थे, बस उनका काम हो गया वो चले जाते थे। आज भी ऐसे ही होते हैं। यीशु के नाम से जब भी चंगाई मिलती है किसी को तो जरूरी नहीं कि वो यीशु पर विश्वास कर लेता है। वो कुछ समय के लिए आएगा बाइबल सीखने के लिए या चर्च में और बोलेगा हाँ यीशु ने मेरे बेटे को चंगा कर दिया जो कोई नहीं कर पा रहा था, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा था, या यीशु ने मेरा ये काम कर दिया, मुझे नौकरी दिला दी, पहले मुझे नहीं मिल रही थी। तो वो कुछ समय के लिए आएगा, लेकिन वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यीशु ने उसका काम निकाल दिया। जिस दिन उसका दूसरा कोई काम अटक जाएगा वो आना बंद कर देगा। मतलब क्या हुआ, उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, उसने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, उसने ये नहीं माना कि यीशु ने मेरे पापों का दंड भुगता और मुझे अपना जीवन उसको समर्पित करना है, ऐसा कुछ नहीं सोचा उसने। उसको लगा हाँ कि मेरे काम बनते हैं इसके पास आने से। अब वो क्या करेगा, उसका कोई काम अटक गया तो बोलेगा ठीक है अब यीशु मेरा काम नहीं कर रहा तो मैं किसी दूसरे के पास जाता हूं, किसी तीसरे के पास जाता हूं। मतलब क्या, मुझे कोई रोग है मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूं, जब तक वो मुझे ठीक कर रहा है उसकी दवाइयों से मुझे लाभ हो रहा है मैं जाता रहूंगा। जब मैंने देखा कि आप इसकी दवाई से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा मैं दूसरा डॉक्टर बदल लूंगा, फिर तीसरा बदल लूंगा। जीवन में हम यही करते रहते हैं कि मेरा काम किससे निकल रहा है, फिर भी एक दिन मर जाते हैं। यीशु कहता कहां भाग रहे हो, कहां भटक रहे हो, मैं ही तो परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें चंगाई अगर दे रहा हूं और अगर नहीं भी दे रहा हूं तुम्हें चंगाई तो भी उसके पीछे कारण है ताकि तुम मुझे ढूंढो, समझो कि एक दिन तुम मरोगे। जैसे मैंने अपने रिश्तेदार के बारे में अभी बताया, अचानक 2 बजे उनको दौरा पड़ा, हॉस्पिटल में पहुंच गए बुरी हालत में। तो मनुष्य का जीवन है ही क्या, भाप की तरह नश्वर है, ऐसा बाइबल सिखाता है याकूब 5 में, नश्वर है वो। तो यीशु ने ये जब इस दृष्टांत में जो चंगाई करी वो खास वजह से करी थी। क्यों,
क्योंकि यहूदी इसराइलियों को पता था ये कि पहली बात तो ये कि वो मानते थे कि जब कोई आदमी बहुत पाप करता है तो परमेश्वर उसको यहां भी दंडित करता है, कैसे उसको रोक दे सकता है या और कोई समस्या आ सकती है उसके साथ, ताकि वो अपने पाप को स्वीकार करे और माफी मांगे परमेश्वर से, इसलिए भी दंडित कर सकता है। तो यहूदी मानते थे कि कोढ़ जैसा रोग होता है, जो कोढ़ इसीलिए आता है क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है और परमेश्वर ने उसे दंडित किया है। ऐसे लकवे का झोले का भी होता था, तो लोग सोचते थे इसने बहुत पाप किए हैं इसलिए इसकी यह हालत है। ऐसा जो सोच थी वो समय में बहुत ज्यादा थी। आज के समय में भी ऐसा होता है कि जब हम बहुत पाप में जीते हैं तो हमें सिखाने के लिए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो हमें दंडित करता है, हमें बीमार भी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो विश्वासी होगा वो कभी बीमार नहीं होगा, उसकी बीमारी की अलग वजह होती है। कभी कभी विश्वासी जो है वो सही रास्ते पर चल रहा होता है लेकिन अचानक फिर से संसार में जाने लगता है, तभी परमेश्वर उसे याद दिलाता है कि तुम भूल गए हो कि तुमने अपना जीवन मुझे दे दिया है, मैं तुम्हारे जीवन का मालिक हूं, तुमने अपने पापों की क्षमा मांगी थी और तुमने ही कहा था कि संसार तुम्हें नहीं चाहिए, अब तुम फिर से वहीं जा रहे हो। तो वो कभी कभी तब बीमार कर देता है, उसे याद आ जाता है, अरे हाँ मैं तो यीशु का दास हूं, मैं क्यों संसार के झूठी बातों में फिर से फंस रहा हूं, उसी उन्हीं चीजों में खो गया हूं मैं, वही टीवी के प्रोग्राम देख रहा हूँ सारा दिन बैठ के, वही सारे अश्लील पिक्चरें देख रहा हूँ, वही अश्लील भाषा बोल रहा हूँ, वही उन्हीं दोस्तों के साथ बैठ के मैं बुरी बुरी आदतें कर रहा हूँ, तो उसे याद आ जाता है, वापिस आ जाता है, वो इसलिए भी बीमार कर देता है कभी कभी। तो बहुत से कारण होते हैं, कभी परीक्षा होती है, कभी उसको बोलते हैं कि वो जो ताड़ना बोलते हैं उसको, जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं ना, जैसे जब बच्चा गलती करता है तो हमें पता है कि ये अगर ऐसे ही चलेगा तो ये बहुत बुरे रास्ते पर चला जाएगा, तो हम कभी कभी उसकी पिटाई करते हैं, तो उस पिटाई की वजह से भी कभी कभी बीमारी देता है विश्वासियों को, लेकिन अविश्वासियों को इसलिए देता है कि वो सोचे कि उसका जीवन नश्वर है और परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, ये सोचे इसलिए भी देता है वो। तो उस जमाने में, उस समय में, यीशु के समय में लोग ऐसा मानते थे कि अगर किसी को लकवा या झोला मार गया या कोढ़ आ गया तो इसने कुछ बहुत ज्यादा पाप किए होंगे, और वो सच भी होता था कभी कभी। तो यीशु, और वो ये भी मानते थे कि इसको सिर्फ परमेश्वर ही ठीक कर सकता है क्योंकि परमेश्वर ही इसके पाप क्षमा कर सकता है, मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, ऐसे मानते थे वो लोग। तो इस दृष्टांत में क्या हुआ, अब हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, पहले वचन से, मरकुस दो पहले वचन से पढ़ते हैं इसको। मरकुस 2:1-2। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। तो पहली बात, उस घर में इतनी भीड़ हो गई यीशु के आने से, क्योंकि यीशु का नाम बढ़ रहा था, आगे चंगाइयां देता था, ऐसे ऐसे वचन सुनाता था, परमेश्वर के बारे में बताता था कि लोगों के दिलों को छू जाता था, वो बैठ के घंटों तक उसकी बात सुनते रहते थे, फिर लोग बीमारों को ले आते थे चंगाई के लिए। तो अब घर भी जो थे उस जमाने में कोई इतने बड़े बड़े नहीं होते थे, तो वो घर पूरा भर गया, लोग भर गए, अब अंदर जाने की जगह नहीं है। फिर क्या हुआ, और लोग एक झोले के मारे हुए को चार मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। तो हुआ ये कि एक झोले के मारे हुए को, उसके चार दोस्त, अब वो तो खुद उठ के आ नहीं सकता, अब वो चार दोस्त थे, उनको ये पता था कि यीशु चंगाई देता है, पूरा विश्वास करते थे वो, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ले जाते हैं यीशु के पास। वो उसको उठाकर ले आए, कैसे, खाट में, चार दोस्त। अच्छी बात है अगर हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमारा भला सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि हमारे जो दोस्त की समस्या दूर हो जाए, तो हमें भी लेकिन ये बताना पड़ेगा उस दोस्त को कि दोस्त तुम्हारी जो समस्या है उसको हम तो ठीक नहीं कर सकते लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कर सकता है। ऐसी सोच हमारे मन में भी होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारा उद्धार हो गया, हमने यीशु पे विश्वास कर लिया, हमारे जीवन में शांति आ गई, अब जो मेरे बाकी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको नहीं बताऊंगा मैं, किसी भी वजह से शर्म आ रही है बताने में, डर लग रहा है नहीं तो वो क्या बोलेंगे, फिर वो मुझे अपने घर नहीं बुलाएंगे, नहीं उनको बताना पड़ेगा कि दोस्त मेरे जीवन में तो बदलाव इसलिए आया क्योंकि यीशु मसीह आया, बाकी कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ऐसा शक्ति नहीं है, सिर्फ यीशु है संसार में, उसी उसी ने सब कुछ बनाया है, उसने कोई धर्म नहीं बनाया, यीशु के नाम से बहुत से धर्म चल रहे हैं आज लेकिन उसने वो धर्म नहीं बनाया। लोग चर्च जाते हैं, घंटे बजाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और सोचते हैं कि हम ईसाई हैं, यीशु मना करता है उनको, जैसे फरीसियों को मना करता था कि तुम लोग परमेश्वर के मंदिर में लोगों को मेरे बारे में बता रहे हो, तुम्हारे मुंह से मेरी बातें निकल रही है लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर है, जैसे यशाया भविष्यवक्ता ने कहा था। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जब आपके जीवन में यीशु आ गया तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताइए कि देखिए सही रास्ता ये है, यीशु ने कहा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं
और यीशु को परख के देखिए, ये नहीं कि अंधा विश्वास कीजिए आंख बंद करके कि किसी ने बोल दिया तो विश्वास कर लिया या पूर्वजों ने बोल दिया तो उसी पर विश्वास कर लिया, खुद उसकी परख करके देखिए। जब तक आप परमेश्वर को परखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि वही परमेश्वर है, और परमेश्वर इस बात के लिए मना नहीं करता, इनकार नहीं करता। यशाया 1:18 में वो लोगों से कहता, आओ हम तर्क करें, अगर तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूं या मैं क्यों करता हूं क्या करता हूं, तो हम क्या करेंगे, तर्क विवाद, पूछो मुझसे जितने सवाल पूछने मेरे बारे में, सबका जवाब दूंगा मैं। ये नहीं कि बस मैं बोलूं मैं परमेश्वर हूं, मेरे बारे में कोई सवाल मत करो, आंखें बंद करके बस विश्वास कर लो, ऐसा नहीं बोलता वो, क्योंकि फिर वो सच्चा परमेश्वर नहीं होगा। तो यीशु बोलता ही है कि मेरे बारे में जानो समझो सीखो फिर विश्वास करो, ये नहीं कि मैंने एक पत्थर को मान लिया कि अब से यही मेरा भगवान है। अंधा विश्वास, एक बात का जवाब दो आप मेरे को कि आप जा रहे हैं कहीं मेट्रो से उतर के या बस से उतर के कहीं जा रहे हैं, अचानक पीछे से एक आदमी आता है कहता भाई मेरा नाम मोहन है मुझे 50,000 रुपये दे दो, अपना चेक लिख दो मेरे को एक, तो कितने लोगों को देने के लिए उसको, सच में सोच के देख के बताओ मुझे, अपना भावना से मत बताओ कि मैं तो सारी दुनिया की मदद करना चाहता हूं, नहीं उस भावना से नहीं बोल रहा मैं, कोई देता है क्या उसको ऐसे, पहले तो आप बोलेंगे भाई आप है कौन, मैं तो जानता भी नहीं हूं आपको। अगर अचानक यहां पे कोई सड़क पे आ जाए बोला भाई साहब तेरा देना 5,000 रुपया अपना ATM से निकाल के, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ले लो मैं सबकी मदद करता हूं, पूछेंगे ना आपके भाई आप कौन है, हाँ आप कौन हो किस लिए चाहिए, जानना पड़ेगा ना उसके बारे में, और फिर भी आप सोचेंगे यार ये बोल रहा है मैं इसको जानता थोड़ी हूं, इसकी जरूरत, ये बोल रहा है कि मेरी बीवी जो है वो अस्पताल में है, मैं जानता थोड़ी हूं उसको, हो सकता है झूठ बोल रहा हूं, और इसके अपने रिश्तेदार नहीं है कि अपने दोस्त नहीं है इसके, जो एक पराया आदमी से जिसको जानता भी नहीं है अजनबी से जाके मांग रहा है, सोचेंगे ना आप 3 बार, एकदम से तो नहीं देंगे ना। तो जब परमेश्वर की बात आती है तो लोग अंधविश्वास क्यों कर लेते हैं, अरे भाई क्यों मानते हो, पता नहीं हमारे पुश्तों से मानते आ रहे हैं, ये हमारा देवी है ये हमारी देवता है ऐसे मानते आ रहे हैं हम। अरे कभी आंख खोल के देखा अपना जीवन जिस देवी देवता को तुम दे रहे हो उसको परख के देखा कि वो सच में है कि भी नहीं, देखना जरूरी है ना, कि जो जिस पे हम विश्वास करके कुछ मांगते हैं वो सच में है कि नहीं या वो काल्पनिक है, इसकी परख तो करनी पड़ेगी हमें। अगर वो काल्पनिक है तो आपकी प्रार्थना तो कहीं नहीं पहुंच रही, तो जीवन में कोई बदलाव आएगा नहीं, कोई शांति आएगी नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये कि ठोक परख के देखें समझे सीखें, इसलिए तो परमेश्वर ने अपनी किताब दी, उसने कहा सब कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है, पहले अच्छे से सीखो समझो, कुछ जल्दी नहीं है विश्वास करना, लगना चाहिए ना आपको कि हाँ आप मुझे लग रहा है कि ये सच है, तो विश्वास जमेगा तो वो पक्का होगा, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे लोग कहते हैं कि मसीह के नाम से ये धर्म बदलते हैं, क्या मैं आपका मन बदल सकता हूं जबरदस्ती पैसे देके, हो सकता है कि आप मेरे पास आके बैठ तो जाएंगे मेरी बात सुनने के लिए, लेकिन क्या आपका मन बदल दूंगा पैसे देके, मैं नहीं हो सकता। क्या आपके पापों को मैं क्षमा कर सकता हूं पैसे देके, नहीं, वो तो जब आप स्वयं मांगेंगे यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा, जिसने आपके लिए दंड भुगता क्रूस पर, और उसने कहा कि मानव जाति में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप ना किया हो, सब नर्क के अधिकारी हैं, पाप का जो दंड है वो मृत्यु है, नर्क में जाना है हमेशा के लिए, वहां से बचाने के लिए मैं तुम्हारे पापों के लिए दंड दे रहा हूं, लेकिन उसी को मिलेगा जो क्षमा मांगेगा और मुझे अपना जीवन दे देगा। ये नहीं कि मैं उस पर भी विश्वास करूंगा, इस पर भी करूंगा और यीशु पे भी कर लूंगा, इसका मतलब वो यीशु को परमेश्वर स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि यीशु कह रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, बाकी सब काल्पनिक है, मनुष्य के बनाए हुए धर्म है। तो ऐसे जब हम विश्वास करते हैं तो हम लोगों को जाके बताते हैं कि दोस्त तुम्हारी समस्या काफी लंबी है मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारी समस्या का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, तुमने देख लिया ट्राई करके, लेकिन यीशु मसीह है जो तुम्हारे जीवन में शांति ला सकता है, वो तुम्हें चंगा भी कर सकता है अगर उसकी इच्छा में है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ इस लकवे वाले के साथ। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, रस्सी बांधी उस खाट पे, उन्होंने देखा भी अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और इतनी बड़ी खाट तो बिल्कुल नहीं ले आ सकते हम, अब इसकी तो समस्या बहुत ही बुरी है, तो वो ऊपर चढ़ गया। उस जमाने में जो छत थी वो जो खपरेल से और दूसरी चीजों से बनती थी, उन्होंने उसे खोल दिया, ऐसी वाली लैंटा की जो सीमेंट की और सरियों से तो नहीं बनती थी, तो वो खोल दिया उन्होंने उसको, उनका उन्होंने ये भी नहीं देखा किसी और का घर है, उन्होंने कहा यीशु मसीह है, हमें इतना पता है कि वो उसको चंगा कर सकता है,
उन्होंने खोल दिया, उन्होंने कहा बाद में इसका नुकसान भर देंगे, देखा जाएगा, पर तो फिलहाल तो ऊपर से जैसे हेलीकॉप्टर से लेके आते हैं ना आजकल, जब कोई बीमार हो जाता है फॉरेन कंट्रीज में, अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो ट्रैफिक इतना होता है कि एम्बुलेंस आने में टाइम लगता है, तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर आता है वो उसको उठा के ले जाता है। कभी कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो हेलीकॉप्टर आता है, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सड़क पे अचानक, बाकी गाड़ी आ रही है तो ट्रैफिक जाम हो गया, अब उस गाड़ी को कैसे उठाएं, सब सब रुक रहे हैं, तो वहां हेलीकॉप्टर आते हैं मैग्नेट से उस गाड़ी को उठा के ले जाते हैं। तो ऐसे ही यीशु के समय में हुआ, उन्होंने हेलीकॉप्टर से ऊपर से छत फाड़ी और सीधा उतार दिया यीशु के सामने, तो बाकी लोग भी देख रहे थे, अरे भाई ये आसमान से कहां से आया, तो सब लोग हैरान हो गए, तो सबका ध्यान उस पर चला गया, और यीशु यही चाहता था कि अब जो वो करने वाला है सब लोग उसको ध्यान से देखें और सुने। तो फिर क्या हुआ आगे? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उनका विश्वास देकर, किसका, ये चार दोस्त जो लेके आए थे, उनका पूरा विश्वास था यीशु चंगा कर देगा, वो कोई डाउट में नहीं थे। वो आजकल भी बहुत से लोग यीशु के नाम से बोलते हैं, हमें हमारे को गिफ्ट मिला हुआ है चंगाई का, परमेश्वर ने हमें दान दिया है चंगाई का, हम किसी को भी चंगा कर सकते हैं, लेकिन सबको चंगा नहीं कर पाते हैं, वो खाली बोलते हैं सर। कुछ लोगों को चंगाई मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, तो वो कहते हैं कि भाई हम क्या करें, पवित्र आत्मा ने उसको चंगा नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बहाने भी बनाते हैं वो। लेकिन यीशु के समय में ऐसा नहीं था, यीशु के पास जो आता था उसको पता था यीशु उसको चंगा कर देगा, विश्वास करते थे पूरा कि परमेश्वर है। ऐसे ही यीशु ने अपने जब 13 शिष्यों को, 12 और एक पौलुस, 13 को जो दान दिए थे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा, वो भी ऐसी चंगाई करते थे, सबको चंगा कर देते थे वो, मृतक लोगों को जीवित कर देते थे वो, क्योंकि वो यीशु के भेजे हुए थे और वो चिन्ह थे कि ये यीशु ने भेजा, वो परमेश्वर है इसलिए ये कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद वो दान, उस समय के बाद वो दान खत्म हो गए, अब किसी के पास ऐसा दान नहीं है कि जिसको हाथ लगाया वो चंगा हो गया, लेकिन बहुत से लोग उसके नाम पे पैसा कमाते हैं आज कि हमारे को दान मिला, हमारे पास आओ, तो लोग भर भर के आते हैं अंधविश्वास में, वो यीशु को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो सच्चाई नहीं ढूंढ रहे हैं, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि चलो ये ठीक नहीं हो रहा, हमारे घर का सदस्य इसको यहाँ ले जाओ, ये आदमी कह रहा है कि मैं ठीक कर दूंगा इसको यीशु के नाम से, अंधविश्वास में फिर पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इनको पक्का विश्वास था कि ये परमेश्वर है और ये चंगा कर सकता है, इसीलिए यीशु ने बोला कि उनका विश्वास देखकर उसने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। अब पाप कौन क्षमा कर सकता है? क्या मनुष्य पाप क्षमा कर सकता है किसी दूसरे के? क्या मैं आपके पाप क्षमा कर सकता हूँ? नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी गलती को माफ कर सकता हूँ और बुरा नहीं मानूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है दोस्त तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुमने माफी मांग ली तो चलो मेरा दिल साफ हो गया, कोई बात नहीं, मैं अब से हमारी जो दोस्ती है वो बनी रहेगी, इतना ही कर सकता हूँ मैं। लेकिन जो गलती आपने करी, जो पाप आपने किया, वो तो परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। तो यीशु बोल रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। अब इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए बहुत बड़ी बात थी, ऐसा कोई नहीं बोलता था, जो ऐसे बोलता था उसको पत्थर से मार देते थे लोग कि तू अपने आप को परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि इसराइली जो थे वो अच्छे से जानते थे कि परमेश्वर कौन है, और वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को कि कोई मनुष्य अधिकार ले ले पाप क्षमा करने का, वो कभी स्वीकार नहीं करते थे, वो अपने परमेश्वर की बहुत आराधना करते थे, भक्ति करते थे, इज्जत करते थे, कहते थे नहीं इसका स्थान कोई नहीं ले सकता, यहोवा परमेश्वर। यीशु कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो आगे क्या हुआ? तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। तो वहां पे शास्त्री भी थे, ये शास्त्री वो थे जो हमेशा यीशु के चारों तरफ घूमते रहते थे ये देखने के लिए कि हम जो सिखाते हैं और ये जो सिखा रहा है उसमें फर्क क्यों है, और लोग इसके पास जा रहे हैं और ये चंगाई भी कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, तो वो लोग किसी तरह से यीशु की कोई गलती ढूंढने के लिए बैठे रहते थे और उसे फंसाने की कोशिश करने की ताक में रहते थे कि किसी तरह हम इसे फंसा लें, पकड़ के लोगों को बताएं कि ये परमेश्वर नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये भैरूपिया है, ये धोखा देने आया तुम्हें, इसी कोशिश में वो लगे रहते थे सारे फरीसी और शास्त्री जो थे, पंडित जो थे। वो बात अलग है कि आगे जाके कुछ फरीसियों ने, कुछ शास्त्रियों ने विश्वास भी किया यीशु मसीह पे जब उन्हें पता चला कि नहीं ये सच बोल रहा है। लेकिन उस समय भी जैसे आज होते हैं धर्म के ठेकेदार, हर धर्म में होते हैं, वो लोगों को दबा के रखते हैं, डरा के रखते हैं और उनसे पैसा भी लेते रहते हैं, और बहुत सारे धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पे हमेशा उन पर एक दबाव बना के रखते हैं कि ठीक है तुम हमारी इज्जत नहीं करते, हमें पैसा नहीं देते, कल को तुम्हारे घर में शादी होगी कौन कराएगा, कल को तुम्हारे घर में चौथा होगा या किसी की मृत्यु होती है तो सारे रीति रिवाज कौन करेगा, ऐसे दबा दबा के रखते थे, तो लोग डरते थे उनसे कि नहीं इनको झूठी इज्जत देते थे वो। तो ये शास्त्री यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम नहीं करते थे क्योंकि यीशु मसीह के आने की वजह से लोगों को सच्चाई मालूम चलने शुरू होगी,
तो हुआ क्या, वो शास्त्री देख रहे कि यार ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है, ये कैसे कह सकता है कि पाप क्षमा हो गए। तो उनको मौका मिल रहा था, उन्होंने कहा भाई हम फंसाएंगे इसको, लोगों को भड़काएंगे कि पाप तो क्षमा सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। तो यीशु ने आगे क्या किया कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। तो ये उनको पता था, उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा हुआ था, अच्छे से जानते थे। यशायाह भविष्यवक्ता ने 43वें अध्याय में लिखा था कि सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। तो वो बड़े खुश हो रहे थे अंदर से कि अब हम पकड़ेंगे इसको, ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है, ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला। तो हुआ क्या, 8वें वचन में यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। हाँ, तो यीशु जो परमेश्वर है, परमेश्वर तो अंतर्यामी होता है, वो सबके मन की बात जानता है। तो उसको पहले से पता था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं अंदर से, और यीशु उसका जवाब भी देना चाहता था सबके सामने। तो उसने क्या जवाब दिया, 9वें वचन में पढ़ते हैं, सहज क्या है, क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपने खाट उठाकर चल फिर। तो यीशु लोगों से पूछ रहा है कि उसको मालूम है मन में ये सोच रहे हैं कि ये कौन होता है हमारे पाप क्षमा करने वाला, किसी के भी पाप क्षमा करने वाला। तो यीशु ने जान लिया कि मन में क्या सवाल कर रहे हैं। अब यीशु उसका उत्तर कैसे दे रहा है, वो पूछ रहा है आसान क्या है अगर एक आदमी बीमार है या उसको लकवा मारा हुआ या झोले का मारा है, तो आसान क्या है। ये तो बहुत आसान है मेरे लिए कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, मैं आपसे भी कह सकता हूँ, आपसे भी कह सकता हूँ, एक एक लकवा मारे हुए आदमी से भी कह सकता हूँ कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, ठीक है। लेकिन क्या मैं उसको ये कह सकता हूँ कि चलो अब तुम्हारे पाप क्षमा हो गए तो तुम चंगे हो गए, अब तुम उठो अपनी खाट पकड़ के घर जाओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? मेरे में तो वो शक्ति नहीं है, मैं तो परमेश्वर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए दोस्त, मैंने परमेश्वर से बात कर ली है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। वो आडंबर होगा, वो ढोंग होगा, उसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। तो यीशु ने यही पूछा, क्या लगता है तुम आसान क्या होता है बोलना, सबको मालूम आसान होता है ये बोलना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, खाट उठाकर वापस अपने घर ले जा तो ठीक हो गया, बोलना मुश्किल होगा क्योंकि कोई कर नहीं सकता। तो यीशु ने क्या समझाया उनको, मैंने पहले ये बोला तुम्हारे पाप क्षमा हुए, अब मैं साबित करूंगा कि जो मैंने बोला है वो सच है। वो कैसे, आगे बढ़ते हैं, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हाँ, तो ये बात साबित करने के लिए कि यीशु परमेश्वर है और उसी को अधिकार है पापों को क्षमा करने का, उसने कहा, ये साबित करने के लिए मैं अभी इसको चंगा कर रहा हूं, अभी इसी वक्त, मुझे कोई दवाई नहीं देनी उसको, मुझे कोई मंत्र नहीं पढ़ने, मैं परमेश्वर हूं, मैं बोलूंगा तो ये उठ के खड़ा हो जाएगा, मैं बोलूंगा तो मुर्दे में जान आ जाती है, मैं परमेश्वर हूं। यही बात वो समझाना चाहता था लोगों को इस दृष्टांत के जरिए। तो उसने उससे बोला, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। उस मनुष्य को भी मालूम है कि मैं ठीक हो गया हूं अंदर से, क्योंकि जैसे ही आप ठीक होते हैं किसी बीमारी से, आपको पता चल जाता है कि मैं ठीक हो गया हूं। और ये भी आप उसको मालूम चल गया है कि मेरे पाप क्षमा हो गए, यीशु ने मुझे क्षमा कर दिया, तो आप मुझे पाप में नहीं जीना है। तो उसके बाद 12वें में क्या हुआ, और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो हुआ क्या, खाट उठाकर वो आदमी चल पड़ा, इतने सालों से वो बीमार था, उसके दोस्त विश्वास के साथ लेके आए थे, उन्हें पता था यीशु चंगा कर देगा। तो हुआ क्या, जितने भी शास्त्री पंडित सब बैठे थे वहां पे, फरीसियों ने भी, फरीसी भी जो थे अपने जासूस भेजते रहते थे, इसके पीछे रहो इस आदमी के, देखो क्या करता है ये, कोई गलती मिले तो पकड़ लेना, अगर ये मूसा का कोई कानून कोई नियम तोड़ता तो पकड़ लेना, अगर ये हमारे नियमों के विरुद्ध कोई नियम बताता है तो पकड़ लेना, फिर हम इसे सजा दिलवाएंगे, इसी कोशिश में लगे रहते थे वो। और यीशु बार बार लोगों को बता रहा था कि धर्म के जाल में मत फंसो, परमेश्वर से संबंध बनाओ, मैं परमेश्वर हूं, मैं जो वचन बता रहा हूं वो सत्य वचन है, मेरे जो वचन है, यूहन्ना 6:6 में वो कहता है, मेरे जो वचन है वो खाली वचन नहीं है, वो जीवन है, वो जीवन देते हैं। ऐसे ही साबित करता था वो चमत्कारों से, जो उसके बारे में लिखा गया था कि जब मसीहा आएगा तो ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा जो मनुष्य नहीं कर सकता। तो उसको बोला तो खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया, उठ के चला गया। अब जितने भी लोग देख रहे थे उन्होंने कहा, इस मनुष्य ने सबसे पहले इसके पाप क्षमा किए
और उसके बाद ये साबित किया कि उसने सच में क्षमा कर दी है क्योंकि चंगा हो गया। तो बहुत से लोगों ने क्या किया, विश्वास कर लिया यही परमेश्वर है। लेकिन दूसरे भी बहुत से लोग होते हैं जो अपना मन कठोर करके रखते हैं, हठी होते हैं वो, अंदर से वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो अपने जिस पे विश्वास करते हैं, जिस अंधविश्वास पे या जिस धर्म में, उसी में अड़े रहते हैं वो कि नहीं इसने चंगा कर दिया तो क्या हुआ, हमारा धर्म गलत थोड़ी है, हमारे देवी देवता गलत थोड़ी है, सालों से सदियों से हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। उनसे पूछो भाई कहाँ लिखा है, कितने हजार साल पहले कहाँ शुरुआत हुई थी आपके धर्म की, पता किया आपने कुछ? नहीं, हमें बताया गया है कि हमारा धर्म सबसे पुराना है। बताया गया का क्या मतलब है, आपको आंखें खोल के खुद परखनी पड़ेगी। बहुत से लोग आग जला के, जब आग जलाते हैं किसी भी ठंड में आग जलाते हैं ना लोग, आग जला के उसके सामने दंडवत करते हैं, अभी भी करते हैं। तो एक बार एक मिशनरी गए थे एक हिल स्टेशन पे ऐसे यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए। तो वो अंधेरे में रात को जा रहे थे, तो वहां पे ठंड थी बहुत, तो लोगों ने कुछ लकड़ियां लगा के आग लगा रखी थी और उसके चारों तरफ बैठे थे। तो इस आदमी ने जाके बोला कि मैं तुम्हें सच्चे परमेश्वर के बारे में बताने आया हूँ। तो उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया। तो वो लोग कह रहे थे हमारा जो देवता है वो तो ये आग है, अग्नि देवता को मानते हैं। तो उसको बड़ी हैरानी हुई, वो विदेश से आया था, उसने बोला कि अच्छा ठीक है आप अग्नि देवता को मानते हैं, लेकिन ये जो देवता तुम जिसको बोल रही है तो तुमने अभी शुरू किया ना, आग इससे पहले तो नहीं था ना ये यहाँ पे, तो क्या तुम अपने देवता का निर्माण कर सकते हो? अग्नि जिसको तुम बोल रहे हो वो तो तुम्हें जलाने, मनुष्य को जलानी पड़ती है ना, वो तो मनुष्य उसको पैदा कर रहा है। फिर दूसरा ये कि उसने पानी डाला वो आग बुझ गई, उसने क्या किया फिर अब देवता खत्म हो गया। आंखें खोलकर देखो, सोचो, मन की बुद्धि दी है परमेश्वर ने। जब हम एक कपड़ा खरीदने जाते हैं उसका वो बोलता है कि इसका 500 रुपये लगेगा, 1000 रुपये लगेगा ये जैकेट खरीदने के लिए, कितनी बार हम उठा उठा के देखते हैं, अरे इसका कोई धागा तो नहीं उखड़ा, इसमें बटन तो नहीं टूटा, इसकी जिप तो सही चल रही है, मतलब पैसा देने के बाद भी फिर चेक करते रहते हैं हम भाई, ले जाने के बाद फिर ये मानेगा नहीं दुकानदार, इसलिए अभी देख लेता हूं मैं, थोड़ा भी फटा होता है, इतना सा भी दाग लगा होता है तो बोलते हैं भाई दूसरा दे दो हमें। वो बोलेगा भाई साहब ये तो ऐसे निकल जाएगा, नहीं नहीं आप दूसरा नया दे दो मेरे को। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हर चीज के लिए हाँ हर चीज की गारंटी मांगते हैं, अच्छे से ठोक परख के देखते हैं। ऐसे ही होता है मनुष्य का बुद्धि, जब परमेश्वर की बात आती है तो अंधविश्वास में पड़ जाता है। बड़े से बड़े वकील जो तर्क करते हैं अदालतों में, उनसे भी हमने पूछ के देखा है कि भाई आपका कोई तर्क है अपने विश्वास को लेके, धर्म को लेके? कहते नहीं है, बस हम विश्वास करते हैं, उस पर हम कोई तर्क नहीं करना चाहते। इसका क्या मतलब है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को सच्चाई से दूर रखना चाहती है, और उस शक्ति का नाम है शैतान। वो केवल शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है, एक स्वर्गदूत था जो स्वर्ग से निकाला गया था, जिसने विद्रोह किया था परमेश्वर के खिलाफ। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, मनुष्य को झूठ में फंसाए रखना और पाप में डुबाए रखना। सारी मानव जाति आज पाप में डूबी हुई है, हर जगह पर लालच है, भ्रष्टाचार है, करप्शन जिसको बोलते हैं, हर जगह पर चोरी डकैती चल रही है, बलात्कार चल रहे हैं, हत्याएं चल रही हैं, भाई भाई का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी बाहर से ऊपर से हंस के बात करते हैं लेकिन अंदर से यही होता है कि मेरे घर के सामने का कचरा मैं इसके यहां फेंक दूं रात को, उसको पता ना चले, वही चल रहा होता है। अपने अपने बारे में सोच रहे होते हैं सब लोग, स्वार्थ भरा हुआ है इतना ज्यादा, दुनिया में शांति कैसे आएगी? वो मनुष्य के जीवन में शांति नहीं ला सकते, धन मनुष्य के जीवन में शांति नहीं ला सकता, सिर्फ यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है। कोई अंधविश्वास जिसको आप मानते हैं कि मैं इसको ऐसे सुबह सुबह इसको मैं छू के चला जाऊंगा या इसको दंडवत कर लूंगा तो मेरा दिन अच्छा जाएगा, ये अंधविश्वास होता है, वो निर्जीव वस्तु है। परमेश्वर जो जीवित है वो आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर जब आ जाता है तो आपको बुद्धि भी देता है और सही रास्ता दिखाता है जीवन में। स्वर्गदूत भेजता है आपको बहुत सारे एक्सीडेंट से बचाने के लिए, बहुत सारी समस्याओं से बचाने के लिए वो स्वर्गदूत भेजता है। जब आपका दोस्त आपको शराब के लिए बुलाएगा, बोलेगा अरे नया तंबाकू आया इसको खा के देखो, तब पवित्र आत्मा बोलता है कि नहीं आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है ये, आपके आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वो पवित्र आत्मा जब बताता है तब हम विश्वास करते हैं। मनुष्य की बुद्धि ऐसा सोच सकती है एक बार, लेकिन मनुष्य फिर भी कमजोर होता है, वो शैतान के जाल में फंस जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह को स्वीकार करने से मिलता है, दूसरे किसी को नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है जो कहता है कि मैं परमेश्वर का आत्मा तुम्हें दे सकता हूं जो अपने पापों की क्षमा मांगेगा। उसको अंदर से परमेश्वर कहता है मत करो ये काम, मत करो, अच्छा नहीं है ये। ऐसे वो मार्गदर्शन करता है रोज हमारा, और ये समाधान सिर्फ यीशु मसीह के पास है कि मनुष्य के पापों का क्या होगा। शैतान ने बोला पापों के बारे में क्या सोचना है, खाओ पियो ऐश करो,
जब तक जियो घी पियो, मरने के बाद देखा जाएगा। तो सारे ऐसे जी रहे हैं अब, नहीं इसमें क्या सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब तक जियो घी पियो, घी खरीदने के तो पैसे भी नहीं होते हमारे पास, हम तो रिफाइंड ऑयल ही खरीद के काम चला लेते हैं। तो बोलने से क्या होता है, खाओ पियो ऐश करो। यहाँ खाओ पियो ऐश करो कौन कर रहा है? सब तो मारे मारे फिर रहे हैं, कोई नहीं कर पाता। वो शैतान के शब्द हैं। वो परमेश्वर कहता है, जितना जीवन तुम्हें मैंने दिया है उस जीवन में मुझे ढूंढो, मुझे खोजो, जानो मैं कौन हूं, मुझसे अपना संबंध बनाओ, ताकि यहां पर भी जीवन सुधरे, यहां पर भी शांति आए, और मरने के बाद निश्चित रूप से स्वर्ग जाए। कोई चिंता ही निकाल देता मन से वो, कि मेरा क्या होगा मरने के बाद। जिन लोगों को ये चिंता नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि शैतान ने बता दिया कोई स्वर्ग नरक नहीं है, जो कुछ है यही है। जैसा करोगे वैसे भरोगे, जो भोगे वो काटोगे, पाप करोगे तो दंड यही मिलेगा, सब कुछ यही है, और मिट्टी में चले जाओगे। जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता उसमें। सब कुछ अगर यही है तो मैं जो कर रहा हूं उसका अंत तो कभी भी हो सकता है, कल भी तो मर सकता हूं मैं। और अगर मैंने चलो लंबा जीवन भी जिया, बहुत पैसे भी कमा लिए, बहुत फैक्ट्रियां भी बना ली, बहुत नाम भी कमा लिया मैंने, लेकिन जब मैं मर गया तो मेरे लिए तो सब खत्म ही हो गया, तो उस जीवन का अर्थ क्या रह गया? मेरा तो संबंध ही टूट गया अपने संबंधियों के साथ, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अर्थ तब निकलता है जब हम अनंत काल से जुड़ते हैं। परमेश्वर कहता है, जो तुम्हें मैंने जो समय दिया है यहां पे मुझे जानने के लिए, उसके बीच में शैतान जो आता है, जिसको मैंने ही अनुमति दी हुई है तुम्हारी परीक्षा के लिए, ये देखने के लिए कि तुम्हारा हृदय किस तरफ है, परमेश्वर की तरफ या शैतान की बातों में जाना चाहते हो। तुम्हारे को एक स्वेच्छा, अपनी इच्छा से चुनने का अधिकार दिया है परमेश्वर ने, प्रेम की वजह से। प्रेम करता वो आपसे, इसलिए बांध के नहीं रखा आपको कि जैसा मैं कहूं वैसे ही करना है, सुबह रोज उठ के मुझे दंडवत करना है, मेरे भजन गाने हैं, मेरे वचन पढ़ने, ऐसा ऐसा जबरदस्ती नहीं किया यीशु मसीह ने कोई। वो बोलता है कि तुम्हारी इच्छा है, शैतान भी है एक तरफ मैं हूं, मैं अच्छा हूं, तुम्हारे अच्छे के लिए बताऊंगा, मैं बोलूंगा तुमसे शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, तंबाकू मत खाओ, व्यभिचार मत करो, दूसरी स्त्रियों को मत देखो, बुरे बुरे टीवी में प्रोग्राम मत देखो, बुरी बुरी फिल्में मत देखो, मैं बताता रहूंगा। दूसरी तरफ शैतान बोलेगा, नहीं मजा तो इसी में, उसमें क्या मजा कि बैठ के आप त्योहार में पी भी नहीं रहे, वैसे बोलेगा वो। पीने के बाद उसका जो परिवार बर्बाद होता है, उसका जो स्वास्थ्य बर्बाद होता है, फिर वो हॉस्पिटल के चक्कर काटता है, उसका लीवर खराब हो गया, उसका किडनी खराब हो गया, ये नहीं शैतान दिखाता उस समय। लेकिन सोच के देखो जीवन का आनंद किसमें है, परमेश्वर के साथ, उसके वचन सुन के, उसको स्वीकार करके, सच्चे परमेश्वर को, जो जीवित परमेश्वर है, जिसने अपने सारे सबूत इस किताब में भी दिए हैं और ऐतिहासिक किताबों में दिए हैं। यीशु मसीह के अलावा किसी के भी इतने सबूत नहीं है पूरे विश्व में जितने यीशु मसीह के हैं, ऐतिहासिक सबूत। कैलेंडर 2017 उसी के नाम से चलता है, ईसा पूर्व ईसा शेष, BC AD यीशु मसीह के नाम से चलता है, दूसरे किसी के नाम से नहीं। इतना शक्तिशाली परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं तुम अपने परिवार वालों से प्रेम करो, उनके लिए अब बलिदान करो, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, बच्चे जो है वो मेरी बात सुन के अपने माँ बाप का आदर करें, हमेशा मिलजुल के एक आनंद रहे तुम्हारे परिवार में, ऐसी सोच परमेश्वर की है। शैतान की बिल्कुल उसके विपरीत है। वो कहता है, क्या कितना कितना समय हो गया तुम्हें, 3 साल हो गया अपनी पत्नी के साथ, अब किसी और औरत के साथ थोड़ा ट्राई करो, क्या तुम रोज घर चला जाते हो जॉब नौकरी के बाद और बच्चों को कहानी सुनाते हो, थोड़ा दोस्त के साथ बैठ के शराब पी के देखो। वो धीरे धीरे हर एक को ऐसी बहकाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है पाप में जितना डूबते जाओगे अशांति आती जाएगी। समाधान किसके पास है? सिर्फ यीशु मसीह के पास, क्योंकि दंड किसने भुगता? उसी ने। वो कहता है, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं, इस दृष्टांत में जैसे उसने बोला, मैंने तुम्हारे पाप क्षमा किए, क्यों? क्योंकि तुमने सच्चे मन से मुझसे पापों की क्षमा मांग ली, और मैं उसका दंड भुगत चुका हूं। एक जुर्म की अदालत में 2 बार सजा नहीं मिलती है, इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। तुमने स्वीकार किया कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, 3रे दिन जी उठा, और आज जो मुझे स्वीकार करता है परमेश्वर, किसी धर्म में नहीं, सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसको कहता है मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा, यानी कि मैं तुम्हारे अंदर आके रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा मतलब स्वयं परमेश्वर आके रहेगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ऐसे ही यहां पर दिखाया, तुम्हारे पाप क्षमा हुए दोस्त, अब एक नया जीवन जियो, बिल्कुल शांतिमय आनंदमय, पाप मत करना आप, मैं परमेश्वर हूं, मैं सबके पापों को क्षमा कर सकता हूं। आमेन।